क्या आपको पता है लोकस्ट अटैक का रीजन क्या है? ऐसा क्या होता है कि लोकस्ट एकदम से अटैक करने लगते हैं? क्या ये हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर ये लोकस्ट अटैक रुक जाएंगे? हाय, माय नेम इज अनुज रमात्री और आज मैं आपको लोकस्ट के बारे में बताऊंगा। लोकस्ट यानी टिड्डियां, ये ग्रास हॉपर की फैमिली का इंसेक्ट है जो की डेजर्ट क्रिएचर है। बट अनलाइक ग्रास हॉपर, लोकस्ट दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। सॉलिटरी फेज, जिसमें लोकस्ट मोस्टली अकेले रहते हैं, लीव्स खाते हैं, इन शॉर्ट मोस्टली ग्रास हॉपर की ही तरह बिहेव करते हैं। बट जब ये ग्रिगेरियस फेज में आते हैं तब ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। इस फेज में लोकस्ट झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपनी हर चीज ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हैबिट्स, बिहेवियर एंड इवन अपीयरेंस, दे चेंज देयर कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड ब्लैक। ग्रिगेरियस फेज में ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और इसी फेज में ये अटैक भी करते हैं, जिसमें इनकी डाइट इतनी इंक्रीज हो जाती है दैट दे कैन ईट एनीथिंग, फ्रॉम लीव्स टू फ्लावर्स टू सीड्स टू स्टेम्स एंड इवन हार्ड थिंग्स लाइक ट्री बार्क। इसी वजह से जहां से भी गुजरते हैं सब डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। इट इज बीन सेड दैट लोकस्ट का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं। दैट्स ह्यूज, इजंट इट? इसीलिए फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लोकस्ट का झुंड एक दिन में 150 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकता है विद अ स्पीड ऑफ 16 टू 19 किलोमीटर पर आवर। ये अटैक्स पहली बार नहीं हो रहे, पहले भी कई बार अलग अलग जगह पे ऐसे लोकस्ट अटैक होते आए हैं। बट इतना बड़ा अटैक इंडिया में 27 ईयर्स पहले हुआ था। बट रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि इस बार के अटैक का मेन रीजन इज क्लाइमेट चेंज। स्ट्रेंज, लेट मी एक्सप्लेन हाउ। वी ऑल नो दैट आवर प्लेनेट इज गोइंग थ्रू ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इंडियन ओशन पे ज्यादा आया, जिसकी वजह से अनसीजनल रेन एंड साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंट हो गए। और दिसंबर 2019 में अफ्रीका में काफी फ्लड्स आए और इन फ्लड्स ने एनवायरमेंट कंडीशन को लोकस्ट के ग्रिगेरियस फेज के फेवर में कर दिया। कैसे? एक्चुअली लोकस्ट के ग्रिगेरियस फेज में एंटर करने का एक स्ट्रक्चर है। ये इस फेज में तभी एंटर करते हैं जब एनवायरमेंट कंडीशन इनके फेवर में हो, जैसे जब हैवी रेनफॉल हो, सॉइल मॉइस्ट हो और आसपास बहुत सारा वेजिटेशन हो। अफ्रीका में फ्लड्स एंड हैवी रेन की वजह से डेजर्ट एरिया में भी सॉइल मॉइस्ट और वेजिटेशन काफी हो गई और फरवरी 2020 में लोकस्ट का ग्रिगेरियस फेज स्टार्ट हो गया। तो अफ्रीका से ये अटैक स्टार्ट हुआ और ईरान एंड पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आ गया। और अब ये इंडिया में कब तक रहेंगे और किस तरफ जाएंगे ये तो नहीं बताया जा सकता, बट आई होप द रीजन इज क्लियर। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अब ये अटैक्स काफी फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, इसलिए वी माइट हैव टू लिव विद इट। एंड डू यू नो व्हाट्स द रीजन? नेचर ने इस सिनेरियो के लिए एक नेचुरल डिफेंस बनाया था, स्पैरो बर्ड। बट वी डोंट सी दिस बर्ड्स लाइक वी यूज्ड टू सी देम अर्लियर। स्पैरो के डिसअपीयर होने का रीजन हमारे मोबाइल का रेडिएशन ही है और स्पैरो के ना होने की वजह से लोकस्ट अटैक को रोकना और भी डिफिकल्ट हो गया है। बट द गुड पार्ट इज अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि लोकस्ट ने ह्यूमंस को कोई डायरेक्ट हार्म पहुंचाया हो। बट ये इनडायरेक्टली काफी नुकसान जरूर कर देते हैं क्योंकि काफी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। लोकस्ट अटैक इज वन ऑफ द सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स हाई टाइम वी एक्सेप्ट दैट इट इज अ रियल थिंग एंड वी शुड स्टार्ट टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अवर प्लैनेट ग्रीनर। रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, लेट्स मेक दीज थ्री आर्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग सो दैट वी डोंट हैव टू फेस मोर सच प्रॉब्लम्स। सी यू नेक्स्ट मंथ।